दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। भाभी जी घर पर हैं कि प्रमुख अभिनेता रोहिताश गोड़ का कहना है कि जिस तरह से फिल्म पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है ठीक उसी तरह रंगमंच नीति भी बननी चाहिए, इससे राज्य के छोटे कलाकारों को भी थिएटर में काम करने का अवसर मिलेगा। दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में अभिनेता का कहना है कि अभी तक वह 500 हिंदी सीरियल में काम कर चुके हैं। उन्होंने हिमाचल के युवाओं से आह्वान किया कि वो अपनी हिम्मत और जुनून को कम ना समझें और अपनी प्रतिभा को उजागर करें। है घर पे काफी सालों से इस पे काम कर रहे हैं, तो शिमला में भी आप हर साल आते हैं, तो किस तरह की आपकी प्लानिंग रहती है कि हिमाचल के जितने भी युवा हैं उनको किस तरह से आप एक्टिंग और इस फिल्म के प्रोफेशन में लाते हैं, किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं? देखिए हम तो ऑल इंडिया के एक्टर्स को यहाँ पर प्लेटफॉर्म देते हैं एक्टिंग के लिए, नाटक के लिए, डांसेस के लिए, डांसेस में भी जितनी कैटेगरीज होती है उनके लिए, तो यही हमारा मकसद रहता है। हिमाचल के कलाकारों को हम क्या दें, यहाँ के तो छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, लुप्त हो गए, अब तो ना यहाँ पर थिएटर होता है ना कुछ होता है, तो शायद मेरे ख्याल से बेचारों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती होगी या कुछ होता होगा कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सर आपका सुझाव क्या रहेगा कि इस तरह से जो छोटे छोटे कलाकार हैं उन्हें थिएटर तक बजट की कभी कमी ना खले, इसको लेकर क्या करना चाहिए? नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए जैसे फिल्म के लिए नीति बनाई है वैसे रंगमंच के लिए भी नीति बनानी चाहिए। छोटे छोटे जो ग्रुप पहले थे उनको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, उनके जो प्रेसिडेंट थे सेक्रेटरी थे उनसे मिलना चाहिए, एक मीटिंग रखनी चाहिए, थिएटर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जैसे हम कर रहे हैं कल गेटी में, पूरे 3 दिन चलेगा, 30 नाटक होंगे उसमें, और हिमाचल के नाटकों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए, एक्टर्स को प्रोत्साहन देना चाहिए, यहाँ के टैलेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए। सर आपका आगे आने वाले समय में कुछ इस तरह का है कि आप हिमाचल के कल्चर पे कुछ समय मिला तो जरूर करना चाहेंगे, जरूर चाहेंगे कि यहाँ का थिएटर विकसित हो, प्रोफेशनल स्तर को छूए, जैसे महाराष्ट्र का छूता है, बंगाल का छूता है, गुजरात का छूता है, आज वहाँ के कलाकार रंगमंच से रोटी कमाते हैं, रंगमंच से अपने घर बनाए हैं, गाड़ियाँ ली हैं, ऐसा सिलसिला अगर हिंदी थिएटर का भी शुरू हो जाए और उसकी शुरुआत हिमाचल से ही हो तो इससे बेहतर कोई बात नहीं पाएगी। सर हिमाचल के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आपने जो अपना कैरियर है ये कहाँ कैसे इतने उच्च लेवल तक पहुँचाया है, किस तरह से हिमाचल से? तो यहाँ से हिमाचल से हमारा सिलेक्शन हुआ था नेशनल स्कूल ड्रामा में, उस समय लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर बहुत बेहतरीन काम किया करता था, SN जोशी उस समय यहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने NSD की वर्कशॉप यहाँ लगाई थी जिसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से निकले, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ, जैसे मेरा और पाप मंडी से पवन जी का जिन्होंने बिरला फिल्म बनाई है, करीम मोहम्मद बनाई है, तो यहाँ से उसके बाद फिर हम बम्बई गए, वहाँ पर धीरे धीरे काम करते करते DD1 के ज़माने से ले काम कर रहे हैं, और अब सैटेलाइट चैनल्स अब आए हैं हम तो कब के काम कर रहे हैं, तो फिर लापतागंज सीरियल में मेरे को आपने देखा होगा, ये धीरे धीरे हम कितने सीरियल में सर अभी तक आप काम कर रहे हैं? मेरे पास सूची नहीं है, मेरे ख्याल से 500 के करीब तो होंगे। ओके सर आपका लास्ट क्वेश्चन, मैसेज आपका युवाओं के लिए दिव्य हिमाचल, अपने आप को हुनरमंद बनाए, कॉन्फिडेंस से काम करें, हुनरमंद इसलिए क्योंकि अगर आप हुनरमंद हैं तभी आपको जो है मुंबई या और जगहों पर काम मिलेगा, अगर आप हुनरमंद नहीं है और सिर्फ लग रहा है कि मैं तो अच्छा दिखता हूँ चलता हूँ मुंबई। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान के साथ विक्रांत वधन की रिपोर्ट। यदि आप शुभ नवरात्रों और शादियों के इस सीजन में खरीदारी की सोच रहे हैं तो अवश्य आए भूषण ज्वेलर, इन खास त्योहारों को खास बनाने के लिए सोलन के भूषण ज्वेलर आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। खरीदारी के समय यहाँ न आपको केवल अपने पन का एहसास होगा बल्कि कुछ न कुछ गिफ्ट भी अवश्य मिलेगा। भूषण ज्वेलर सोलन के MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को एक ईऑन कार, 5 स्कूटी व 1.5 इनाम दिए गए हैं। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर सोलन।